हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे घर बन रहे हैं पकवान, और ये हमने इस डेगची में बना ली है खीर। देखते हैं खीर कैसी रही दोस्तों। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये देख सकते हैं आप। शानदार खीर है, बिल्कुल लाजवाब। ये देखो, ये किशमिश, खोपरा, इलायची, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है, और खीर बनकर बिल्कुल रेडी है। और ये बना रहे हैं हम बाटी, ये देखिए बिल्कुल बाटी तैयार है। अब जा रहे हैं हम चूल्हे में सेकने के लिए। दोस्तों, बाटी सेकने के लिए हमने बाल लिया है चूल्हा, और इस चूल्हे में ये चार बाटी सेकेंगे। ये महाराज को पूजने के लिए हम बाटी सेक रहे हैं, बाकी तो हम कढ़ाई बनाएंगे। और ये देखिए, इसमें जो आग होगी उससे हम बाटी को सेकेंगे। हमारे महाराज कच्ची पक्की बाटी खाते हैं, उसके लिए ये बाटियां बनाई गई है चार। हेलो दोस्तों, यह है पापा जी, और देखिए ये महाराज जी को पूजने के लिए पहुंच चुके हैं मौहासा नगरी। दोस्तों, आप मौहासा नगरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे। ये है भोमियाजी महाराज का मंदिर, और ये देखिए यहाँ पे नीचे ही उतारने पड़ते हैं जूते चप्पल। और ये है धूना, यहाँ पर सबसे पहले जागता किया जाता है, और धूने में जागता तैयार करने के बाद में भोग लगाया जाएगा। दोस्तों, महाराज का पूजन करने के लिए मैंने पापा जी को भेजा है, क्योंकि वहाँ पर धार चढ़ाई जाती है, तो मैं उन सब चीज़ों से दूर हूँ। यह है भैरव जी महाराज का मंदिर, जो कि आप सब जानते हैं चूली बावड़ी के रास्ते पे पड़ता है। और आप इन मंदिरों पर जाकर के जो भी मनोकामना चाहते हैं, मन में जो इच्छा है, वो बिल्कुल मन से अगर प्रार्थना करके मांगोगे तो यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। पापा जी देखिए पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, और अब यहाँ पर आग कर रहे हैं, जागता बना रहे हैं, और जागता बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाएंगे। और भगवान को भोग लगाने के लिए हमने आज ही का दिन चुना, क्योंकि एक शुभ दिन होता है, और शुभ दिन के इस अवसर पर भगवान को पूजा अर्चना की जाती है। आप सबको पता है कि मैंने भगवान को क्यों पूजने का आज निश्चय किया, क्योंकि आज एक शुभ मुहूर्त होने की वजह से, और शुभ अवसर होने की वजह से, और अमावस्या के जस्ट पहले ये काम किया जाता है, इसलिए भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पापा जी पहुंच चुके हैं। ये मंदिर है, और मंदिर पर पापा जी जागता वागता बनाकर पहुंच गए हैं अंदर। हम आपको ले चलते हैं अंदर, और ये देखिए पापा जी पहुँच चुके हैं, और मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जागता। ये जागता जी आ गए, अब पापा जी इस जागते के ऊपर होमेंगे घी, और घी होमने के बाद यहाँ पर तैयार किया जाएगा भोग लगाने का काम। और ये सब देख सकते हैं आप, ये देखिए जबरदस्त। और ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर होम दिया हमने घी। ये घी होमने के बाद ये देखिए दोस्तों, गाय के गोबर से बनी हुई आग के ऊपर देसी घी होमने पर जो खुशबू निकलती है, बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है, और उस खुशबू से आसपास के कीटाणु और बीमारियां नष्ट हो जाती है। हमने भोग को पकाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की, और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में, क्योंकि हमें जागतों में भोग पकाना है, और भोग को पकाने के बाद में हम सब काम करेंगे आगे, तो यहाँ भोग पकाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, ये देखिए, ये अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में इसमें घी, और घी के बाद में ये खीर का भोग लगाया गया है। यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे भैंस ब्याती है, बच्चा देती है, तो हम उसके दूध चढ़ाने का प्रोग्राम करते हैं। हर बार ये काम होता है, तो हम हमारे इष्ट देव भोमिया जी महाराज, जो कि मोहासा नगरी का भोमिया जी है, वहाँ पर ये भोग लगाया जाता है, और हम इस प्राचीन मंदिर पर भोग लगाकर यहाँ से
हमारे भैंस के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और यहाँ पर की हुई कामना हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल बहुत वरदान साबित होती है। और ये पापा जी यहाँ पर भोग लगा करके तरीके से पका रहे हैं और पकाने के बाद में और भैरू जी महाराज की पूजा अर्चना की जाएगी। ये भैरू जी महाराज का मंदिर है, अब चलते हैं भैरू जी महाराज के मंदिर में। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको भैरू जी महाराज का मंदिर और इस मंदिर में जाते हैं जागता लेकर के। ये भैरू जी महाराज का मंदिर है दोस्तों। भैरू जी महाराज के मंदिर में यहाँ देखिए साल में 2 बार बकरे की बलि दी जाती है इस भैरू के। अगर नहीं देंगे तो पूरे गांव में अशांति फैल जाती है। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार भोग लगाया जाता है। हर कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रकार का काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ही आदमी को तैयार रहना पड़ता है। इस मंदिर में हर कोई आदमी एंटर नहीं कर सकता। जो आदमी पहले से इनके बारे में कुछ जानता है वही आदमी अंदर जा सकता है, वरना हर कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। ये देखिए हमने जागदा रख के वही काम जो भूमिया जी महाराज के मंदिर में किया था वही काम अब भैरू जी महाराज के मंदिर में कर रहे हैं पापा जी। ये देख सकते हैं, यह है भैरू जी महाराज। हमने पूरे मंदिर की साफ सफाई करके माला वाला पहना करके और ये देखिए वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके और फिर भोग को अच्छे से पकाया जाता है ताकि भोग कच्चा नहीं रहे। दोस्तों इस भोग को अच्छे से पकाने के लिए यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में इसको पकाने के बाद यहाँ पर धार भी चढ़ाई जाएगी। अब धार क्या होती है आप खुद जान जाओगे, पहचान जाओगे और किस प्रकार से भैरू जी महाराज की पूजा की जाती है। आप भी कभी, आपको भी कभी पूजा करनी हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी यहाँ पर पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर में जाकर के पूजा करने का मतलब है कि आप जो भी मन में सोचते हैं वो काम हमेशा बन जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करो क्योंकि लाइक करने से भी महाराज हो सकते हैं आपको आशीर्वाद दें और आशीर्वाद देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये देखिए भैरू जी महाराज हैं हमारे, वो बाटी और लौंग के जोड़े से खुश रहते हैं तो बाटी और लौंग का जोड़ा पापा जी दे रहे हैं साथ साथ में। ये देखिए हमने घर से बाटियां भी बना के लाई थी, उन बाटियों से भोग लगा रहे हैं और भोग लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पापा जी को दिखाई कम देता है। ये देखिए अब यहाँ से हर कोई सामग्री पापा जी लेकर गए हैं मंदिर में। दोस्तों ये अरावली की पहाड़ियों में जो कि जम्मू रामगढ़ की जो अरावली की पहाड़ियां हैं उन अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ स्थान भूमिया जी महाराज और भैरू जी महाराज का जो मंदिर है वहां पर प्राचीन मंदिर है, कम से कम 2000 साल पुराना मंदिर है दोस्तों। लेकिन अब यहां पर ज़बरदस्त तरीके से काम चालू है और बहुत निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये देखिए पापा जी अच्छे तरीके से यहाँ पर घी का होम कर रहे हैं और खीर का भी भोग लगा रहे हैं। ये देखिए इसमें घी है और घी से अच्छे से भोग को पका रहे हैं और पकाने के बाद भगवान को धार भी चढ़ाई जाएगी क्योंकि भैरू जी महाराज को धार चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक इस दूध के साथ धार का भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक ये काम अधूरा माना जाता है। और महाराज के दोष इस प्रकार होते हैं कि फिर हम परिवार में अशांति फैल जाती है। तो इस प्रकार से भगवान को पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी खीर का भोग लगाने के साथ साथ यहाँ पर धार भी चढ़ाई जाती है। तो इस धार को चढ़ाना बहुत अनिवार्य बताया गया है। हमने भी हमारे पूर्वजों से सुना है, हमारे दादा दादी कहा करते थे और पापा जी भी इसी प्रकार से पूजा करते हैं तो हम इनकी पूजा के लिए पिताजी को ही भेजते हैं और मंदिर में जा कर के अच्छे से पूजा करते हैं। ये देखिए घी का हवन। दोस्तों हमने देसी घी भेजा है घर से और देसी घी से ही ये भोग पकाया जाता है। यहाँ पर हमने
तरीके से घी भून करके और भोग को पका रहे हैं। और जब तक भोग पूरे तरीके से नहीं पक जाता हम वहाँ से उठ के नहीं जाते हैं, नहीं तो भगवान की कई प्रकार के दोष हमारे ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों ये देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से भोग लग रहा है। अब धार भी चढ़ाई जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भैरव जी महाराज को धार चढ़ाई जाती है और पिलाई जाती है। देसी धार होती है और जब तक देसी धार नहीं चढ़ाई जाती है तब तक भगवान को भोग को अधूरा माना जाता है। और ये देख सकते हैं बाबा जी पूरे तरीके से भोग पकड़ के और यहाँ से भोग पक चुका है। अब वापस जो खाली बर्तन थे उन बर्तनों को इस बैग में रख करके और उसको अच्छे से बांध रहे हैं। दोस्तों आंखों से कम दिखने की वजह से वो इसको बांध के लाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई बर्तन टिफिन वगैरह बाहर निकल सकता है। अब यहाँ पर ढोक देंगे, ये देखिए। अपनी मनोकामना चाहने के लिए दोस्तों, भगवान से सुख शांति चाहने के लिए इस प्रकार से ढोक दे करके अपनी जो भी मन में इच्छा हो मांगते हैं तो पूर्ण होती है। तो आप भी ऐसे मंदिर में अपना ढोक जरूर लगाएं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ढोक जरूर लगाएं, मत्था टेकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए हम ले चलते हैं आपको बाहर और कॉर्नर में बाहर जो महाराज स्थापित हैं वहाँ पर भी ढोक लगा रहे हैं और आपको दिख ही रही होगी धार की बोतल वहाँ पर रखी हुई। इसमें बिल्कुल देसी हाथों से तैयार की हुई धार बिल्कुल तैयार है। और देखिए दोस्तों रात को यहाँ पर शेर और टाइगर आते हैं, बिल्कुल जंगलों में ये मंदिर है। ये देखिए पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों में बसी हुई ये अरावली की पहाड़ियों में एड़ामांदड़ का मंदिर जो कि भूमिया के रूप में प्रसिद्ध है। ये देख सकते हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। अंदर यहाँ वन विभाग ने घूमने के लिए टूरिज्म तैयार कर रखा है, एक ट्रैक बना रखा है, वहाँ पर दर्शकों को घुमा के लाया जाता है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मंदिर ऊपर से वो टैंक बना हुआ है पानी का, ये देख सकते हैं एक विशाल मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए ये जंगल, घना जंगल पीछे की तरफ, ये देख सकते हैं कबूतर पक्षी यहाँ पर दाना चुगने, ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये जंगल घने, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। ये देख सकते हैं शाम का समय, ये देखिए अरावली की पहाड़ियाँ, ये रास्ता है, ये बरगद का वृक्ष है एक यहाँ पर लगा हुआ, एक विशाल वृक्ष बरगद का, ये देख सकते हैं दोस्तों ये बरगद का वृक्ष है। और इधर से ये रास्ता है, इस रास्ते से आने जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पर एक लगी हुई है ट्यूबवेल, एक रास्ता उधर की तरफ गया वो रास्ता जाता है चुली बावड़ी के लिए। चुली बावड़ी हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आप वहाँ जाकर के अगर मन से कोई भगवान की पूजा करोगे तो शायद आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तो आप चुली बावड़ी भी ज़रूर जाएं। ये देखिए ये भैरव जी महाराज का मंदिर है और इधर भूमिया जी महाराज का, कुछ लोग यहाँ पर बकरियाँ चराने भी आते हैं। ये देखिए पापा जी अपने साथ एक भगत जी को भी लाए थे, राम कुमार जी भगत। ये देखिए ये बिल्कुल पूजा वूजा करके अब चल दिए घर के लिए, रवानगी ले चुके हैं और घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के बाद अब घर की तरफ जाते हुए, और ये देख सकते हैं गेट बंद करके आए थे ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ जाए। दोस्तों दिन में भी यहाँ पर भगेरा, टाइगर, जरक, शाड़ और ल्याड़ी जिसको कहते हैं भेड़िया, इनका काफ़ी आतंक रहता है। तो इन पशुओं से हमें सदैव बचने के लिए ये काम करना पड़ता है कि हमेशा गेट इसका बंद रखना पड़ता है। सिक रही है बाटियाँ और अभी आग पे डाला ही है इनको। ये महाराज को पूजने के लिए चार बाटी बनाई गई है, हमारे भैरव जी महाराज और भूमिया जी महाराज के पूजन के लिए ये चार बाटियाँ बनाई गई है, बाकी अलग रसोई है।
जब तक महाराज को बाटी से नहीं पूजा जाता, जब तक महाराज नाराज रहते हैं, इसलिए हम चार बाटी भगवान जी के भोग के लिए बनाए हैं। महाराज जी के भोग लगाएंगे भैरू जी महाराज और भौमिया जी महाराज। तो दोस्तों, आप भी अपने इष्ट देवता को मानते होंगे, तो हमारे इष्ट देवता जी तो लौंग का जोड़ा, पतासा, बाटी और धार, इनसे पूजा करते हैं। आज एक विशेष आयोजन नए मेहमान आने की खुशी में हम कर रहे हैं, तो ये चार बाटियां बना करके भगवान जी का पूजन किया जाएगा। तो आज जा रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। ये बाटी तैयार हो गई है, इसमें है खीर और यह है घी। इस देसी घी से हम पूजा करेंगे, भैंस का घी है बिल्कुल। और यह है आखा, जिसको कि पक्षियों को डाल के आएंगे वहाँ पे भगवान के चबूतरे पे। और अब इसके अलावा और भी हम भगवान को चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाना था भगवान को, तो दूध का खीर बना करके हम भोग लगा रहे हैं और इसकी तैयारी कर रखे हैं। और अभी जा रहे हैं पापा जी और हमारे भतीजे जी, तो भगवान को भोग लगा करके और फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। दोस्तों, ये है हमारी कटड़ी और ये नया मेहमान, बिल्कुल इसको पैर से बांध के रखते हैं। देखिए, बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा नया मेहमान। इसका क्या नाम रखें आप थोड़ा सोच समझ के बताएं कि हमें इसका नाम रखना है, जिसको क्या कहते हैं, नामकरण संस्कार। तो आप बताएं क्या नाम रखें। छोटी सी कटड़ी हुई है, कटड़ी इसको पाँव से बांध के रखते हैं और बहुत प्यारी सी, देखिए किस प्रकार से हाथ को चाट रही है, और नन्ही सी प्यारी सी कटड़ी ये देख सकते हैं आप। और इसकी आने की खुशी में आज हम भगवान के भोग लगा रहे हैं भैंस के दूध का। काफ़ी तेज़ धूप और उसमें हाँप रही है। अभी यह मात्र 8 दिन की हुई है, 8 दिन की। तो ये नया मेहमान आ चुका है हमारे परिवार में। दोस्तों, ये हमारी भैंस, और ये भैंस के ब्याने की खुशी में हम महाराज जी को पूछ रहे हैं, खिरुंडी चढ़ा रहे हैं, तो उसका हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारी कटड़ी और हम दूध निकालेंगे, इसको चुका रहे हैं अभी। यह कतरी है हमारी।